दिल्ली रोड स्थित एक होटल में जिला भट्टा एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह व महापौर विनोद अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में सभी भट्टा मालिकों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज ईद भट्टा मालिक बड़ी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनका जल्द ही समाधान किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए नितिन गुप्ता और संजीव चौधरी का अच्छा प्रयास है कि उन्होंने भट्टा मालिकों की विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि हम लोगों के भट्टों पर हजारों लोग काम करते हैं, फिर भी एक कांस्टेबल लेखपाल उन्हें हड़का कर चला जाता है। डीएम ने सभी को उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। डीएम ने कहा कि जिले का विकास हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम ईट भट्टा से ही पता लगा लेते हैं। अगर भट्टे सही चल रहे हैं तो पता चल जाता है कि जिले का भी विकास हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पूरा सहयोग दिए जाने का आश्वासन ईट भट्टा एसोसिएशन को दिया। वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि किसी भी मुश्किल की घड़ी में वे सरकार के साथ उनके साथ हैं। मुझे ये देखकर बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि मुरादाबाद में कितने सारे भट्टा मतलब एसोसिएशन भट्टों के मालिक हैं, और अभी मुझे पता चला कि 300 से ज्यादा भट्टे तो अकेले मुरादाबाद में ही हैं। तो आज ऐसी एसोसिएशन के संरक्षक मेरे परम बड़े भाई आदरणीय अनिल अग्रवाल जी और प्रिया जी, साथ में हमारे मुकेश सिंह जी, शाहिद हुसैन जी, सभी को महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने भी संबोधित किया और सभी का आभार प्रकट किया। अग्रवाल जी, संरक्षक इस भट्टा एसोसिएशन के मेरे परम आदरणीय अंकल अनिल अग्रवाल जी, एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि वह सभी भट्टा मालिकों के साथ हैं। मुरादाबाद के स्वागत सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ईंट भट्टा उद्योग स्वामियों की किसी भी समस्या के लिए वह हमेशा तैयार है तथा सरकार उनके साथ खड़ी है। शासन के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 के समय में भी ईंट भट्टा उद्योग बंद नहीं हुए और जारी रखे गए थे। जो भी समस्याएं जिला अध्यक्ष के माध्यम से उनके संज्ञान में आएंगी, वह उनके निस्तारण का हर संभव प्रयास करेंगे। विशिष्ट अतिथि विनोद अग्रवाल महापौर ने कहा कि जीएसटी में कोयले से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आप सब भवन निर्माण के आधार स्तंभ हैं, आपके बिना कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। समाज निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके लिए सरकार सदैव तत्पर है। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी को बधाई दी। मूवी थिएटर के जो मालिक होते थे, एक पेट्रोल पंप और एक ईंट भट्टा वाले, चौथे आर्म्स लाइसेंस वाले, इन लोगों से हम लोग भयभीत भी रहते थे, उनका सम्मान भी था, क्योंकि समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे और आज भी है, ऐसा नहीं हुआ करते थे नहीं, आज भी है, और समाज के विकास में इनका बहुत हमेशा योगदान रहा है। हम लोग किसी जिले के विकास के बारे में जानकारी करनी होती है तो हम लोग वहाँ भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों से फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि व्यवसाय ठीक चल रहा है, मीन्स जिले का विकास सही चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि आपके व्यवसाय पर ही जिले का विकास डिपेंड करता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, चाहे आवास आदमी तभी बनाता है जब उसकी जेब में कुछ पैसे होते हैं, तो चाहे आवास संबंधी निर्माण हो, ये सही सही नब्ज पता चल जाती है कि जिले का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम उसकी बात न भी करें तो किसी भी जिले के लिए बेहतर मानक होता है। निश्चित रूप से समय के साथ आपके सामने बहुत चैलेंजेज आए, उन चैलेंजेज में आज भी आप अपने को स्थापित किए हुए हैं और इस व्यवसाय को लगातार आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से आपकी एसोसिएशन और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग निरंतर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अभी नए नए चैलेंजेज भी इस उद्योग के सामने हैं। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि हम सबको एकजुट रहकर भव्य राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र निर्माण में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके उद्योग ईंट भट्टे से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण का वे हर संभव प्रयास करेंगे तथा नवीन कार्यकारिणी के गठन पर उन्होंने जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष नवीन जैन, महामंत्री संजीव चौधरी आदि को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता द्वारा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा प्रिया अग्रवाल को
प्रतीक चिन्ह व माल्यार्पण कर शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक आनंद अनिल अग्रवाल, शेर शाहिद हुसैन, रफीक भाई, माजिद हुसैन, मुकेश, सरदार त्रिलोचन सिंह, जाकिर हुसैन, राजवर्धन, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, अरविंद सिंह, शरीफ भाई, मुकेश गोयल, आशीष अग्रवाल, हर्षवीर सिंह, राजवर्धन हुसैन हाजी, शमीम अहमद, अरविंद सरोही, नादिर अली, संजीव चौधरी, प्रदीप गुप्ता, मनोज गुप्ता, हाजी सलीम, शिव कुमार गुप्ता, मनोज गोयल, मुजाहिद भाई, शिव कुमार गुप्ता आदि ने विचार व्यक्त किए। इन्होंने अपना ताज मुझे पहना दिया और मुझे इसमें आप लोगों के बीच में डाल दिया, लेकिन मेरी शक्ति जब है, मैं अध्यक्ष जब हूँ, जब आप मेरे साथ है, कड़ी से कड़ी मिला के मेरे साथ चलेंगे तो कठिन से कठिन जो भी परेशानी होगी उसको दूर कर देंगे। बहुत विरोध है, एक GST का विरोध जो 5% से 12%, क्या आप लोग दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। कोयले का रेट जो पिछली बार 10,000 था, वो 18,000-20,000 के आप दे देंगे? अपने भट्टे की जमीनें बेच के आप घर पे बैठ जाएंगे, ये मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। तो इन सबका जब समाधान जब हो सकता है, जब आप मेरे साथ हैं, मेरा कहना मानेंगे, मैं आपका कहना मानूंगा, उसके बाद इसका होगा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भट्टे चलाने की किसकी स्थिति जल्दी है, कौन देर से चलाएगा, पहले तो ये बता।